हेलो दोस्तों, हम वेलकम करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल तुरंचल बर्ड्स में। आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे आसिफ भाई का बजीज पैरट्स, लव बर्ड्स, फिंचेस, एप्पल कॉर्नियोर, डायमंड डव, कुमड़ा डव, ये सब इनके पास अवेलेबल हैं। इसके बाद लव बर्ड्स के दोनों म्यूटेशन रिंग और नॉन रिंग दोनों अवेलेबल हैं। इनका भी अपना एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है हल्द्वानी फिंचेस कॉर्नियोर, और काफ़ी अच्छा माशाल्लाह काफ़ी अच्छा कलेक्शन उन्होंने कर रखा है और काफ़ी ज़्यादा ये केयर भी करते हैं। तो चलिए और हम आपको इनका जो सेटअप है उसका एक बार ओवरव्यू दिखा देते हैं, फिर हम आपको डिटेल में दिखाएंगे। ये देखिए मेन गेट है, इसके बाद आती है गैलरी, मतलब ये डबल प्रोटेक्शन की कॉलोनीज है। इसमें ये होता है कि बर्ड्स को डबल सेफ्टी रहती है, बाहर से किसी भी प्रीडेटर्स का डर नहीं रहता, क्योंकि एक बाहर जाली है, उसके बाद एक गैलरी है, उसके बाद से जो कॉलोनीज है वो स्टार्ट होती हैं। तो ये देखिए सबसे पहले हैं ये बजीज पैरट, और सामने जो केज है इसमें है फिंच, ये देखिए बजीज पैरट है, और इसके बाद जस्ट बराबर में देखिए हैं लबर्स। ये लबर्स रिंग म्यूटेशंस के हैं, इसमें वैरायटीज ऑफ कलर है, डिटेल में हम बाद में बात करेंगे। और ये देखिए इन्होंने एक सेपरेट केज में रख रखा है जावा का पेयर, क्योंकि इनके पास ये बहुत टाइम पहले से ही सेपरेट में था, तो इसलिए इन्होंने एक मिक्स्ड कॉलोनी में नहीं डाला, एक इनके पास जावा की कॉलोनी भी है। इसके बाद ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही नायाब चीज़ डायमंड डव, और बहुत ही खूबसूरत कलर में, मेल फीमेल कन्फर्म बता रहे हैं, और ये अभी कुछ दिन पहले ही इन्होंने मंगाया है। तो ये देखिए इसके अलावा इन्होंने बजीज पैरट की फीमेल रख रखी है सेपरेट में। अभी इन्होंने अपनी सारी बर्ड्स को रेस्ट पे रख रखा है, सबको रेस्ट दिया है क्योंकि रेनी सीज़न चल रहा है, और कुछ टाइम हमें अपने बर्ड्स को रेस्ट पे भी रखना चाहिए, क्योंकि होता ये है कि अगर हम आप बर्ड्स को रेस्ट पे नहीं रखेंगे तो ये देखिए इन्होंने मटकियाँ देखो एक कट्टे भर के रख दिए हैं, इसके मीन्स ये सब रेस्ट पे हैं। और ये एक सेपरेट का पेयर भी इन्होंने अलग लगा रखा है रोज़ी का, और ये हैं बच्चे, दो बच्चे हैं इसमें रिंग म्यूटेशंस के, एक नॉन रिंग का है रोज़ी का, और ये सब सेल आउट के लिए हैं। और इनका जो नंबर है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो इनसे परचेस कर सकते हैं। और ये देखिए इन्होंने कुछ जो अल्बिनो, लिटिनो और स्पेंगल्स की भी बजीज पैरट्स हैं उसको भी सेपरेट कर रखा है, क्योंकि ये सब बर्ड्स जो हमारी कॉलोनी है उसी में से ही निकलते हैं, तो जो जो अच्छे कलर हैं इन्होंने अलग सेपरेट आउट कर लिए हैं। नीचे देखिए ये हैं कॉकटेल्स, नहीं सॉरी जावा, और उसके ऊपर है एप्पल कॉलोनी। चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे और डिटेल में एक एक करके कॉलोनी में आपको बर्ड्स को दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं बजीज पैरट्स। बजीज पैरट्स का जो माशाल्लाह साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, और जो कलर्स कॉम्बिनेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। फ़िलहाल इन्होंने आसिफ भाई ने रख रखा है सारे के सारे बजीज पैरट को रेस्ट पे, और मतलब साइज़ भी माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। हाइट लगभग 8.5 से 9 फीट है, और जो चौड़ाई है इस कॉलोनी की वो लगभग 4.5 से 5 फीट है, और जो गहराई है वो भी तकरीबन 6 से 7 फीट है। और ये देखिए खाने में काफ़ी अच्छा, इन्होंने ट्रे, वुडन ट्रे बना रखी है, उसमें ये दाना दे रहे हैं, और ये स्पिनिंग व्हील भी लगा रखा है, ये थोड़ा काफ़ी बड़ा साइज़ का है। और ये देखिए आप बर्ड्स की क्वालिटी देखिए, पहले आप बैठने के लिए प्रॉपर परचेज हैं, मटकी इन्होंने हटा दी है, कह रहे हैं अब हम अगस्त में लगाएंगे जब पूरा रेनी सीज़न ऑफ हो जाएगा। ये सही भी रहता है क्योंकि रेनी सीज़न में मॉइस्चर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, उसके वजह से क्या होता है कि बजीज़ तो वैसे एग वगैरह दे ही लेती है, लेकिन फर्टिलिटी जो रेट होता है वो डिक्रीज हो जाता है, डाउन हो जाता है मॉइस्चर के कारण। और साल में कम से कम एक बार तो हमें अपने बर्ड्स को रेस्ट देना ही चाहिए, और जब ये रेस्ट दे रहे हैं इसके साथ साथ बता रहे हैं कि हम ऑस्टो कैल्शियम दे रहे हैं साथ में, इनको ऑस्टो वैक करके आता है विरबैक का, तो वो ये दे रहे हैं। और ये बच्चे इन्होंने सेपरेट में रख रखे हैं, ये देखिए दाना है, दाना में दिखा दे रहा हूँ क्या खिला रहे हैं, ये बारीक कंगनी खिला रहे हैं, और बता रहे हैं कि जब बर्ड्स ब्रीड पे होता है तो साथ में ये सॉफ्ट फूड भी काफ़ी अच्छा देते हैं इनको, इसमें एग फूड भी जाड़ों के टाइम में एग फूड भी देते हैं, और वैसे गेहूँ वगैरह भिगो के ये खिलाते हैं। ये देखिए बारीक कंगनी है, साफ़ है बिल्कुल, और केजेस में देखिए ये मिट्टी की डोब रख रखी है, और ये ब्राक ओवर में जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ये ब्लैक सॉल्ट है, ये रॉक सॉल्ट जो होता है ब्लैक सॉल्ट जो है वो है, ये डाइजेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहता है। और ये केजेस में इन्होंने रख रखे हैं चिक्स, ये भी शायद सेल आउट के लिए हैं, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूँगा, जो मैक्सिमम जो भी बजीज से वो कह रहे हैं मैंने सेल आउट कर ही दिए, जितने सेल आउट करने थे ये सब इन्होंने अपने ही लिए रख रखे हैं। और ये देखिए इन्होंने बहुत बड़ा सा स्पिनिंग व्हील बना रखा है,
काफ़ी अच्छा बनाया है इन्होंने, काफ़ी अच्छी कोशिश की बनाने की। और इसके ही साथ में एक ये नीचे देखिए लव बर्ड्स है, ये डॉक्टर्स रूम बना रखा है इन्होंने। और ये देखिए है, ये है लव बर्ड्स। लव बर्ड्स में भी इन्होंने सारी जो मटकियाँ थी सारी हटा दी हैं, इसे भी ये पूरे रेस्ट पे रख रखा है। ये बेहतर टाइम होता है आपको अपनी बर्ड्स को रेस्ट पे देने का, और ऐसा नहीं है कि आप इस समय दें, बहुत से लोग जाड़े में भी देते हैं, लेकिन बस ये कोशिश करिए कि साल में एक बार आपको ज़रूरी देना है अपने बर्ड्स को रेस्ट। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपकी बर्ड्स काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहेगी, इनर्जेटिक रहेगी, और काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस भी आपको मिलेगी, क्योंकि ये सारे के सारे इन्हीं के पेयर हैं और इन्होंने काफ़ी अच्छी ब्रीड भी की है, काफ़ी अच्छे पेयर निकाले हैं। देखिए अलग अलग कलर अलग अलग कॉम्बिनेशंस में इनके पास लव बर्ड्स हैं, और एक्टिवनेस तो आप देख ही रहे हैं कितने ज़्यादा ये एक्टिव हैं। और दाने पे चलते हैं, मैं दाना दिखा देता हूँ ये क्या दाना दे रहे हैं। ये मिक्स सीड मिक्स दे रहे हैं, इसमें देखिए कुसुम दाना है, मोटी कंगनी है, बारीक कंगनी है, लाल दाना है, और सनफ्लावर सीड है, सैफ फ्लावर जिसे हम कुसुम दाना भी कहते हैं, ये सब मिक्स सीड मिक्स ये प्रोवाइड करा रहे हैं। और ब्रीडिंग के टाइम सॉफ्ट फूड तो ये प्रोवाइड कराते ही कराते हैं, क्योंकि इस समय इन्होंने सब रेस्ट पे दे रखा है, तो ये बता रहे हैं कि मैंने कैल्शियम का कोर्स वगैरह सब पूरा करा दिया इनको। और जैसे ही अभी तो जुलाई का मंथ चल रहा है, जैसे ही अगस्त आएगा, अगस्त की या तो मिड में या फिर लास्ट में जैसा भी मौसम होगा उस हिसाब से ये मटकियाँ लगाना चालू करेंगे। और तकरीबन अच्छे खासे पेयर हैं इनके पास, मुझे लग रहा है 10 पेयर इनके पास लंबर्स के रिंग म्यूटेशंस के हैं। और ये देखिए एक पेयर है कॉकटेल्स का, ये इन्होंने पहले से ही सेपरेट आउट में रख रखा था सेपरेट में, तो ये सेपरेट में लगा रखा है, और बता रहे हैं इन्होंने एग भी ले कर रखे हैं। तो मैं कोशिश करूँगा अगर वीडियो में कवर हो जाए इनके एग दिखाने के लिए। तो चलिए मैं अब इनका जो डोर है वो ओपन करता हूँ और आपको पूरी दिखाने की कोशिश करता हूँ कि इन्होंने एग कितने दिए हैं। ओहो माशाल्लाह, 1 2 3 4 5 पाँच एग दे रखे हैं, और बताते हैं कि इन्होंने प्रोग्रेस पहले भी दी थी हमें और अब भी दे रहे हैं। इसके अलावा इनके पास और एक मिनी कॉलोनी भी इन्होंने जावा की बना रखी है, क्योंकि ये पेयर इनके पास से काफ़ी टाइम से सेपरेट में था। तो आप कोशिश करिए अगर आपके पास पहले से ही पेयर कोई सेपरेट में है तो उसे सेपरेट में ही रखिए, क्योंकि वो सेपरेट में तो ना बेहतर ही आपको ब्रीड मिलती है, क्योंकि दूसरी बर्ड से फाइट वगैरह होती नहीं है, इसके ज़रिए काफ़ी अच्छी ब्रीड आपको मिल जाती है। तो ये थे अंडे इनके अंदर, काफ़ी अच्छी नेस्टिंग भी इन्होंने दे रखी है इनको। और ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही नायाब डायमंड, ये आगे जो पेयर आप डार्क ग्रे का देख रहे हैं ये मेल है, क्योंकि इसकी आई का जो रिंग है वो डार्क ऑरेंज या डार्क रेड कलर में है, और जो बैकग्राउंड में पीछे आप देख रहे हैं वो फीमेल डायमंड है। वो साइज़ में भी आप देख सकते हैं वो छोटी है, उसका हेड पतला है, इसका जो आगे है ये मेल है, इसका हेड चौड़ा है। तो ये अभी इन्होंने यंग पेयर ही लेकर आए हैं, बता रहे हैं 2 से 2.5 महीने हुए इनके पास लाइव, अभी फ़िलहाल ये इन्हें पाल रहे हैं। जब भी इनकी प्रॉपर एज हो जाएगी तब इनको ये नेस्टिंग के लिए इन्हें जाली देनी पड़ती है, छन्नी होती है, ये ओपन में देते हैं अंडे, क्लोज में नहीं देते। हर एक बर्ड्स का एक अलग तरीका होता है अंडा एग ले करने का, तो इसके लिए ये जाली वगैरह बांध देंगे। बात हुई मेरी आसिफ भाई से, और माशाल्लाह काफ़ी अच्छा इन्होंने बर्ड्स का कलेक्शन कर रखा है, और काफ़ी ज़्यादा शौकीन आदमी है ये। और ये भी अपना एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं हल्द्वानी फिटनेस कॉर्नियर के नाम से, तो अगर आप इनका चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ मेरे आप सभी व्यूबर और सभी सब्सक्राइबर से रिक्वेस्ट होगी कि आप आसिफ भाई का भी चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ये भी काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आते हैं। जब हम 2 यूट्यूबर आपस में मिलते हैं तो हमें एक दूसरे की अच्छाई और बुराइयों का पता चलता है, इन सेंस ऑफ बर्ड्स के पालने में कि क्या क्या नायाब चीज़ हमें करनी चाहिए चेंजेस। और अब हम आ गए हैं नॉन रिंग म्यूटेशंस के लव बर्ड्स की कॉलोनी में, तो यहाँ भी तकरीबन 5 पेयर इनके पास हैं। एक तो रोज़ी में दिख रहे होंगे अगर आपको पीच फेस में है, और एक लुटिनो का भी पेयर दिख रहा है, ये भी इन्होंने बता रहे हैं कि ये भी अच्छी ब्रीड कर रहे हैं। और इसकी भी मटकियाँ देखो, इन्होंने सब सारी मटकियाँ फ़िलहाल इन्होंने लव बर्ड्स हो गया इधर, वो बजीज हो गए, फिंचेस हो गए, सबकी इन्होंने फिंचेस की छोड़ के मतलब बजीज हो गई, लव बर्ड्स हो गए, उनकी मटकियाँ सब हटा दी है उन्होंने, क्योंकि मैक्सिमम जो ब्रीडिंग होती है वो इन्हीं के हवाले से इनको मिलती है। तो फिलहाल कहा है कि भाई मैं रेस्ट पे रख रखा है, और इसमें भी वही सेम सीड मिक्स है, इसमें सनफ्लावर हो गया, सैफ फ्लावर हो गया, मोटी कंगनी, बारीक कंगनी, रेड कंगनी, ये सब चीज़ें इसमें मिक्स हैं। तो अच्छा दाना प्रोवाइड करा रहे हैं, और जो भी इन्होंने तरीका अपना रखा है बर्ड्स को पालने का वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है,
आगे सबसे अच्छी बात है कि गर्मी इनके छत पे फर्स्ट फ्लोर पे ही है ये बना हुआ, ओपन में ओपन डायरेक्शन आती है इनके पूरे इसमें सेटअप में। तो इन्होंने कूलर लगा रखा है, मतलब टेम्परेचर ये मेंटेन कर रहे हैं और अपने बर्ड्स की पूरे से ज़्यादा ख्याल रखने की कोशिश कर रहे हैं। और ये देखिए एक पेयर इन्होंने सेपरेट में डाल रखा है रोज़ी का, ये इनका पहले से ही बहुत पहले से ही पेयर इनका सेपरेट में था, तो इसलिए इन्होंने इसको भी नहीं हटाया है क्योंकि ये सेपरेट है। माशाल्लाह बताते हैं कि काफ़ी अच्छी ब्रीड करता है, 2 से 3 बच्चे मिनिमम निकालता ही निकालता है एक क्लच में। तो इन्होंने फ़िलहाल इसको सेपरेट ही रख रखा है क्योंकि जब आप कोई भी सेपरेट का भी जो पेयर होता है अगर आप उसको कॉलोनी वगैरह में डमिक्स करेंगे तो वो डिस्टर्ब हो जाता है और फिर वो ब्रीड से हट जाता है, इसलिए इन्होंने बहुत पहले से सेपरेट में रख रखा था। तो इन्होंने इसके लिए सेपरेट में ही इसको मेंटेन किया है। ये देखिए तीन बच्चे हैं, 2 रिंग में हैं एक नॉन रिंग में है, ये सेल आउट के लिए हैं। अगर आप परचेस करना चाहते हैं आसिफ भाई से तो कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, जो इनका मोबाइल नंबर है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल ही दिया है, आप देख लीजिए वहाँ से आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, इनसे डायरेक्ट बात कीजिए। आप मुझे प्लीज़ कमेंट ना करिए कि भाई कितने का है क्या है, प्राइस वाइस वगैरह की जो भी बात होगी आप डायरेक्ट आसिफ भाई से बात कर सकते हैं, जो भी होगा मुनासिब रेट में ही देंगे आपको, मार्केट से कम ही रेट में मिलेगा, ऐसी कोई मसले वाली बात नहीं है। तो आप डायरेक्ट आसिफ भाई से कॉन्टेक्ट करें क्योंकि उन्हीं की चीज़ है, वही बेहतर बता सकेंगे क्या प्राइस वो कोट कर रहे हैं, तो आप उन्हीं से बात कर लीजिएगा तो आसिफ भाई बता देंगे कि क्या प्राइस हैं इसके। अच्छा पेयर है, साफ़ सुथरे हैं, बच्चे हैं अभी, मुझे लगता है 2-4 महीने में ये भी सब अडल्ट हो जाएंगे, और ऐसा भी नहीं कि इनकी जो बीक का कलर नहीं आया, बीक की कलर का पूरा आ गया, पर खाली फैदर हल्की सी डल हो रही है। और ये देखिए ये तकरीबन 5 पेयर हैं, इन्होंने लुटिनो अल्बिनो के भी जो बजीस इनके ग्रुप में निकलते हैं उसको सेपरेट कर लिया इन्होंने, कह रहे हैं कि भाई मैं अल्बिनो और लुटिनो की एक सेपरेट कॉलोनी बनाना चाहता हूँ बजीस की, एक मतलब एंटीक बजीस की। तो अच्छी बात है क्योंकि अल्बिनो और लुटिनो जो बजीस पैरट्स होते हैं बहुत ही कम क्वांटिटी में आपको कॉलोनी में देखने को मिलेंगे, और जो लॉन्ग टर्म ब्रीडर होते हैं काफ़ी टाइम जो ब्रीड लेते हैं उसमें से इक्का दुक्का पेयर के लुटिनो या प्योर लुटिनो या प्योर अल्बिनो बजी कलर्स निकलते हैं। और ये देखिए अब हम आ गए हैं जावा की कॉलोनी में, ये भी इन्होंने काफ़ी अच्छी कॉलोनी बना रखी है जावा की, और तकरीबन इनके पास जो जावा के पेयर हैं वो करीब हैं 5 पेयर लगभग, और इन्होंने 5 मटकी लगा रखी है और बता रहे हैं इसमें से एक मटकी में एक पेयर ने ब्रीड भी कर रखी है। जावा के केस में यही होता है जब वो ब्रीड करता है तो बहुत ही अच्छी उमदा ब्रीड करता है, हमें नहीं करेगा ना तो बिल्कुल ब्रीड नहीं करेगा, पेयर सेट होने में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन रहती है, यही एक वजह है जिसकी वजह से जो जावा का जो प्राइस रहता है वो ज़्यादा रहता है, क्योंकि तकरीबन जावा मेरे पास भी तकरीबन 4 से 5 साल से है और उसमें से केवल 2 या 3 बच्चे ही निकल पाए हैं, बस मुझे वो शौक है और शौकीन का यही नहीं होता उनका कि बस वो ब्रीड करे तभी वो रखेंगे, तो मैंने तो भाई पाल रहा हूँ और आसिफ भाई से मैंने कुछ नुस्खे भी सीखे हैं, तो वही कहते हैं कि आप बारीक कंगनी के साथ धान जो होता है वो ज़रूर डालें और कैल्शियम थोड़ी क्वांटिटी में लिक्विड फॉर्म में भी इनको ज़रूर दें। और एक इन्होंने एक चीज़ और बताई कि इनको वो वाइट जम्स जो वाइट कीड़े होते हैं सूड़िया जिसे हम बोलते हैं वो हैं वो ज़्यादा काफ़ी पसंद होती हैं, उसमें रिच इन प्रोटीन होती है, वो ये काफ़ी ज़्यादा चाव से खाते हैं, तो वो ये जो सड़ा गला फूड होता है उसको ढक के ये प्रोड्यूस करके इनको खिलाते हैं, जिसके वजह से इनकी जो जावा है उन्होंने ब्रीड की है। और मैं भी कोशिश करूँगा इस तरह से कोशिश करूँगा कि मुझे भी इनसे ब्रीड मिले, क्योंकि आप अगर आप पालते हैं तो आपका भी दिमाग में आती है कि हमें भी ब्रीड लेना चाहिए। ये देखिए माशाल्लाह 3 बच्चे और काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हैं, देखिए आप फूड बैग इनका पूरा भरा हुआ है, इससे आप उम्मीद लगा सकते हैं कि अच्छी फीडिंग मिल रही है इनको। और ये देखिए मटकी खाली है, ये आखिरी 5वीं मटकी ये भी खाली है, बस एक मटकी में प्रोग्रेस मिली है। और अब हम चलते हैं अंत में अपने फाइनल प्रोडक्ट के पास, ये देखिए पहले दाना देख लीजिए आप बेहतरीन, माशाल्लाह बादाम दिख रहे होंगे आपको इसमें, अखरोट दिख रहे होंगे, और जो सनफ्लावर सीड वो कई प्रकार के, इसमें वाइट सनफ्लावर बड़ा साइज़ का है, ब्लैक सनफ्लावर बड़ा साइज़ का है, स्मॉल साइज़ का भी है, और ये देखिए ओहो ओहो ये एप्पल कॉर्नियर, भाई मैं तो फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ एप्पल कॉर्नियर, मैंने नहीं देखा, और ये ब्रीड कर रखा है इसने, ये देखिए रेड जो टेल में है ये फीमेल है, और ये जो उड़ के आया ब्लैक हेड में ये मेल है, और काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है,
क्यों एग्रेसिव है? इसकी वजह यह है कि इसके जो बॉक्स में बच्चे हैं, और बच्चे भी बता रहे हैं कि माशाल्लाह बड़े हो गए हैं। हम आपको जो इनका बॉक्स है उसको भी विज़िट कराएंगे। और एक नहीं, दो नहीं, तीन, फर्स्ट ब्रीड में तीन बच्चे निकाले इन्होंने। आसिफ भाई बता रहे थे कि पहले एग दिए थे लेकिन वो अनफर्टाइल हो गए थे, बैठ तो रहे थे एग के ऊपर लेकिन बच्चे नहीं निकल पाए, लेकिन अब इसमें से तीन बच्चे निकल गए और माशाल्लाह पूरे पूरे अब सेल्फ फीड के मोड पे आ गए हैं। लेकिन जो स्कॉर्न्यूट्स होते हैं वो काफ़ी टाइम तक अपने बच्चों को खिलाते हैं। ये देखिए मेल काफ़ी ज़्यादा एग्रेशन दिखा रहा है और अभी मटकी के अंदर ही है, हमने खटखटा तो दिया था मटकी। और बच्चे हम दिखाते हैं, एक बच्चा देखिए मूछ पा के नीचे बैठा है, एक ये ऊपर को चढ़ रहा है, एक मेल के साथ में है। ये देखिए मेल जा रहा है बाहर, फिर आपको दिखाते हैं अच्छे से बच्चों को तीन। ये देखिए एक आपको डार्क रेड टेल में दिख रही होगी आपको, एक ये ब्लैक हेड में दिख रहा है, एक ब्लैक हेड में नीचे बैठा हुआ है। तो ये देखिए माशाल्लाह तीन बच्चे निकले हैं। फिलहाल तो मेल फीमेल आइडेंटिफाई नहीं हुआ है। आसिफ भाई कह रहे थे कि इसका मैं डीएनए कराऊंगा फिर पता चलेगा, तो फिलहाल अभी तो ये डीएनए करा नहीं रहे, कह रहे हैं जब भाई ये बड़े हो जाएंगे, मटकी से बाहर निकल आएंगे, सेल्फ फीड पर आ जाएंगे, तब मैं इनको सेपरेट आउट करूँगा और इनका डीएनए कराऊँगा, फिर पता चलेगा क्या है। तो कैसी लगी आप लोगों को वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल तंजल बर्ड्स और यासिफ भाई का चैनल अंतवानी फिंचेस कॉर्नियो नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। समय समय पर हम लोग इंफॉर्मेटिव वीडियो आप सभी के लिए लाने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आए। अगर कोई भी खामियाँ लगें आपको हमारी वीडियो में तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमें, हम कोशिश करेंगे उस चीज़ को इम्प्रूव करने की, और आपको हम कभी निराश नहीं होने देंगे। और इतना प्यार आपने हमें दिया, 50,000 प्लस सब्सक्राइबर हमारे आज के डेट में हो गए हैं, लगभग 51,500 हमारे सब्सक्राइबर हो गए हैं। इसी तरह का और भी प्यार दें जिससे हम सिल्वर प्लेट बटन जल्द से जल्द लगाएँ और अपने देश और अपने राज्य का नाम रोशन करें। और चलिए अब हम चलते हैं आसिफ भाई के पास, और अब हम आसिफ भाई का तहे दिल से अपनी पूरी टीम उत्तरांचल बर्ड्स की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें अपना मौका दिया अपना सेटअप विज़िट कराने का। और इसी तरह के और भी आप नायाब चीज़ जो नायाब बर्ड्स आप लेकर आएंगे और हमें इनवाइट करेंगे अपने सेटअप पे बुलाने की, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन भाइयों ने हमारे आसिफ भाई का चैनल अल्दवानी फिंचेस कॉर्नियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी उनसे यही दरख्वास्त होगी, उनसे यही रिक्वेस्ट होगी, आप इनका भी चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़रूर देखा करें। और हम वीडियो को अभी हम यहीं एंड करेंगे और मिलेंगे आप सभी से अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़ और बाय बाय, और मिलेंगे एक नई वीडियो में आपके।